एट चैप्टर दोलन गति। इसमें सबसे पहले देखते हैं आवर्त गति। ऐसी गति जो निश्चित पथ पर निश्चित समय में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। यानी कि कैसी गति, उदाहरण देखिए समझ जाओगे। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है ना, बार बार उसी पथ पर ग्रह चक्कर लगाए जा रहे हैं। घड़ी में सुइयों की गति है, घड़ी भी बार बार उसी सुई का काटा बार बार जगह पे उसी दिशा में बार 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 उसी जगह पे घूमे जा रहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, पंखों के वो ब्लेडों की गति। तो ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु बार बार उसी पथ पर सेम वैसी ही गति कर रही है, और वो भी उसी समय में जो उसका निश्चित समय में उसका तय पथ है, वो उतना तय पथ वापिस उसी समय में बार बार दोहराती है, तो वो कौन सी गति है? आवर्त गति। नेक्स्ट देखिए दोलन गति। तो दोलन गति कैसी गति है? एक निश्चित बिंदु के इधर उधर होने वाली ऐसी आवर्त गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति। यानी कि ये सभी तो आवर्त गतियां हैं, और सभी आवर्त गतियों में कुछ ऐसी गतियां हैं जो दोलन गतियां हैं। कैसी? जो किसी एक बिंदु के इधर उधर हो। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है दोलन गति का? एक बिंदु के इधर उधर होने वाली गति। कैसी? सितार के तार की गति, स्प्रिंग से लटके भार को, जैसे कोई टेबल पे आप नीचे उसके नीचे की तरफ लटकती हुई स्प्रिंग बांध देते हैं है ना, और उस स्प्रिंग पे हम क्या कोई भार बांध दिया ठीक है, और उस भार को हल्का सा यूं पकड़ के खींच के छोड़ दिया, तो वो ऊपर नीचे स्प्रिंग होती जाएगी, वैसी गति है। पेड़ से बंधे झूले की गति है, सबसे बढ़िया उदाहरण झूले की गति है ना। कोई झूला है तो निश्चित बिंदु तो उसका कहाँ है? जब वो स्थिर अवस्था में है, पर जब झूलते हैं तब वो झूला उतना उतना आगे और उतना उतना पीछे जाता है, तो ये गति कौन सी है? दोलन गति। इसमें एक और गति देखिएगा, सरल आवर्त गति, SHM, सरल आवर्त गति। ऐसी दोलन गति जो छोटी सरल रेखा या छोटे से चाप पर होती है, जिसमें प्रत्यानयन बल कार्य करता है, उसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? सरल लोलक की गति है ना। कौन सा? सरल लोलक यानी कि पेंडुलम। बाकी तो दोलन गति के उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी दोलन गति की बात कर रहे हैं, पर इसमें कुछ उदाहरण स्पेसिफाई हैं सरल आवर्त गति के लिए, जिसमें सबसे बढ़िया आप सरल लोलक ही बताइए। अब आता है प्रत्यानयन बल। मतलब आपने देखा कि जिसके अंदर प्रत्यानयन बल कार्य करता हो, लेकिन प्रत्यानयन बल है क्या? तो प्रत्येक सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो कि क्या होता है? जो विस्थापन के समानुपाती एवं उसकी विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती तथा उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो F समानुपाती x, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए हमने लगाया माइनस। तो F बराबर -kx, जहाँ पे k क्या है? बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। इस k का हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। F बराबर -kx। सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण ये पूछा जाता है। प्रत्यानयन बल F बराबर -kx हमें मालूम है ठीक है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, F बराबर मा, ये भी हमने पढ़ रखा है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, ma बराबर -kx। तो क्या आया? a बराबर F आ रहे, a बराबर m यहाँ था, तो m को हम कहाँ ले आए? इधर नीचे ठीक है। तो a बराबर -k अपॉन mx। यदि k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर है, तो एक सूत्र याद रखिएगा ओमेगा का, एक तो आपको याद होगा 2π ν ठीक है। एक ओमेगा का सूत्र है ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम। ये सूत्र बहुत जगह काम आएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम, ये याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है? अपना बल नियतांक। तो के अपॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अपॉन एम। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? के अपॉन एम।
तो के अपॉन एम की जगह हमने रख दिया ओमेगा स्क्वायर, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। दूरी का 2 बार अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण। तो त्वरण बराबर, त्वरण की जगह हम लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको उठा के इधर लिया है, माइनस का इधर हो गया प्लस, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यह क्या है आपका अवकलन समीकरण सरल आवर्त गति का। ठीक है, अब देखते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। कोई वस्तु छोटे से चाप पर सरल आवर्त गति करती है तो इसमें प्रत्यानयन बल अगुण टॉर्क कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सरल आवर्त गति के समीकरण में x की जगह हमने क्या रख दिया, थीटा। जहां जहां x था वहां क्या रख दिया, थीटा। तो ये आपके हो गया कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण। आयाम देखिए, आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको आगे में चित्र की सहायता से समझाऊंगा जहां पे अभी आगे आएगा। ठीक है, प्रारंभिक कला कोण। सरल आवर्त गति में वस्तु गति प्रारंभ करते समय जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, उसका प्रारंभिक कला कोण फाई है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, फाई। कलांतर कोण थीटा। यदि दो वस्तुएं एक साथ सरल आवर्त गति करती हैं तो इनके बीच में थीटा कोण के अंतर को हम कलांतर कहते हैं, कलाओं के बीच अंतर कलांतर। यहां देखिए ये कोई तरंग है जो गति कर रही है। ठीक है, तो 0 से लेके लास्ट में वो जो 2 पहाड़ बनेगी, एक ऊपर और एक नीचे, तो पूरे 2 बनने के बाद एक ऊपर और एक नीचे जहां पे खत्म होगी वो वहां तक जाके इसका पूरा एक क्या कंप्लीट होगा, एक आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या कहलाता है, एक चक्कर में लगा समय। तो यहां तक क्या कहलाएगा इसका, 0 से लेके पूरा वेव यहां तक आ जाएगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति करके। तो यहां तक आपका क्या कहलाएगा, टोटल कैपिटल टी है ना, तो उसका आधा क्या कहलाएगा, T/2। ठीक है, और उसका भी आधा क्या कहलाएगा, T/4। T/4, T/2, 3T/4T। ठीक है, अधिकतम जितनी वो दूरी तय करेगी ऊपर मुख्य अक्ष से तरंग, तो उसका वो क्या कहलाएगा, ए। ए क्या है यहाँ पे, आया। ठीक है, ये टी अक्ष पे है। सरल आवर्त गति का निम्न सरल समीकरण से व्यक्त करते हैं। सरल आवर्त गति का समीकरण ये छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है जनरली। तो क्या होता है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, इसका आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए क्या है, आयाम, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, और टी तो समय, सबको पता है। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन वेग त्वरण का समय के साथ ग्राफ। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछते हैं, तीनों का भी पूछते हैं एक साथ। विस्थापन का केवल समय के साथ पूछ लिया, केवल वेग का पूछ लिया, केवल त्वरण का पूछ लिया, तीनों में से किसी भी एक का जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि हमको ग्राफ शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, तीनों का ग्राफ अलग अलग जगह से शुरू होता है, बनाना तो हमको यही है, ये ऐसी वेव बनानी है एक ऊपर से नीचे तक। ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करनी है, तो ये जो जनरली सबसे पहली जो बनी हुई है सिंपल, ये जो ऊपर बनी हुई है वो किसके साथ बनी हुई है, विस्थापन की समय के साथ। ठीक है, विस्थापन की समय के साथ। तो विस्थापन कहाँ से शुरू होगा, वहीं मूल बिंदु से। ठीक है, 0 से विस्थापन की सिंपल जैसे बनती है वैसे बना दी। ठीक है, वेग की कहाँ से बनेगी, वेग की बनेगी आपकी मूल बिंदु से ऊपर कुछ दूरी पर, मूल बिंदु की ऊपर कुछ दूरी पर, फिर आपको कुछ दूरी पर, वो भी मतलब अधिकतम जो दूरी होती है आयाम, यानी ये जो पॉइंट है, आपको वेव को यहाँ से शुरू करना है। ये जस्ट ये इसे देख लीजिए, ये यहाँ से ये यूं शुरू होके फिर ये आधे तक यहाँ तक जाएगी, किसके साथ वाली, वेग के साथ वाली, वेग और समय के साथ वाली। हमको आयाम से शुरू करनी है लेकिन मूल अक्ष से है ना, फिर ऐसे बनानी है जैसे बना रहे वैसे ही वेव। तो और फिर देखिए त्वरण के साथ, त्वरण के साथ जस्ट विस्थापन का उल्टा कर दीजिए, इसको ऐसे नीचे पलट दीजिए, तो क्या होगा, विस्थापन में हमने ऊपर से शुरू करके नीचे से होते हुए खत्म की थी, त्वरण में हम नीचे से शुरू करते हुए ऊपर आके खत्म करेंगे।
तो बस ये तीन है, विस्थापन, वेग और त्वरण। इसके समय के साथ तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। स्टार्ट कहाँ से करनी है वो याद रखिएगा, बाकी आप आगे बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में।